हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मनीष। सो आज के हम इस वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कल हम लोगों ने क्या बात किया था और आज क्या हुआ है, एंड कल हम लोग किस तरीके से अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे। ठीक है, और एक और बात जो मुझे बोलनी है वो ये कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताए ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। सो निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, एंड जो क्लोजिंग आया है आज निफ्टी का वो 17,890 के राउंड का आया है। तो हम लोगों ने कल क्या बात किया था कि निफ्टी अगर इस हाई के ऊपर निकलती है, मतलब 18,000 के ऊपर अगर निकलती है और क्लोजिंग आता है, तो हम लोग अपना बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे एंड हमारा टारगेट जो होगा वो 18,120 के राउंड में होगा। पर ऐसा हुआ नहीं, निफ्टी गैप अप खुली और हमें एक वापस से वहां से एक रिजेक्शन फेस हुआ है 18,050 के राउंड से। रिजेक्शन कैंडल हमें मिला, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, एंड वापस से मार्केट धीरे 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 नीचे तक आई। और हम लोगों ने सेकेंड जो एक केस बात किया था कि अगर निफ्टी इस लेवल को अगर ब्रेक करती है जो कि था 17,930-34 का लेवल को अगर ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हम लोग अपना शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा ये वाला सपोर्ट एरिया होगा 17,870 का होगा। तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही छोटे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में, और यहाँ पे कम स्टॉप लॉस के साथ में हमें 1:1.5 का टारगेट हमें मिल गया। तो अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं निफ्टी में कि आप देखो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट करके रखा है, ये ट्रेंड लाइन से इसको रिजेक्शन मिला है अभी। और अभी क्या कर सकते हैं कि निफ्टी अब कल या आने वाले टाइम में अगर 17,940-50 के ऊपर अगर निकलती है तो हम लोग यहाँ पे बाई करने का सोचेंगे और बाई यहाँ पे प्लान करेंगे, एंड इसके ऊपर हम लोग जो टारगेट रखेंगे वो 18,050 के आसपास रखेंगे, एंड ये जोन अगर क्रॉस कर जाता है देन हम लोग का टारगेट हो जाएगा आने वाले टाइम में 18,120 का, जो ये मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है ये अपसाइड का है। एंड इस बीच में 17,950 से लेके एंड 17,850 का जो बीच का जो जोन है, इस जोन में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि एक ये अब साइडवेज टू वोलेटिलिटी वाला जोन बन गया है। मार्केट अगर एक दो दिन इस बीच में अगर टाइम बिता लेती है देन हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम दिखने को मिलेगा इधर डायरेक्शन में, लेकिन इस बीच में हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर इस हाई को ब्रेक करती है देन हम लोग बाई का ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, एंड ये 17,850 अगर ब्रेक होता है देन हमें वापस से 18,000 का लेवल, 18,800 का लेवल या 17,800 का लेवल या फिर 17,750 का लेवल हमें नीचे की ओर का देखने को इसमें मिल सकता है। और हम बराबर हम लोग ये बात करते आ रहे हैं कि अगर निफ्टी में अगर नीचे का ये लेवल अगर ब्रेक होता है 17,750 का, तो हमें एक नीचे की ओर का बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा जो कि 17,500 के राउंड का हो सकता है नीचे की ओर का। और निफ्टी अगर 18,260 के ऊपर अगर निकलती है देन हम लोग आने वाले टाइम में हाई को करते हुए देख सकते हैं। ये तो हमारा निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी का हमारा था कि ये हाई अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है 42,450 का तो हम लोग बाई प्लान कर सकते थे 42,700 के राउंड का, बट गैप अप खुला, प्राइस ने टारगेट के पास ही डायरेक्ट गया और वापस से एक निगेटिव प्राइस एक्शन बना के और वापस से अपने सपोर्ट पे आ गया है। हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का बात किया था कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है देन हम लोग यहाँ पे अपना शॉर्ट कर सकते हैं, बट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हुआ लेकिन उसके बाद वापस एक बहुत बड़ा पुल बैक आया एंड प्राइस ऊपर चला गया एंड वापस से इस जगह पे रिजेक्शन मिला 42,450 के राउंड में, एंड वापस से अभी ये सपोर्ट के पास है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी वापस से अगर ये लेवल को ब्रेक करती है 42,100 के राउंड का अगर लेवल ब्रेक होता है देन हम लोग यहाँ के लिए शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा टारगेट हो जाएगा 41,750 के राउंड का, ये लो के आसपास का। एंड अगर बैंक निफ्टी अगर ये जो जोन है हमारा, आप ये ले लो ना 42,250 का अगर हाई अगर क्रॉस करती है देन हम लोग इसमें 22 साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो 42,400 के अराउंड का होगा। तो ये हमारा कल के लिए एनालिसिस वीडियो है निफ्टी बैंक निफ्टी का। थैंक यू।